अरे 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 छूट जाएगी। सारी मच्छी मारी है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप इसका साइज, ये करीब करीब 10 से 12 किलो देख सकते हैं अभी भी आप, बहुत प्यारा नजारा है। और ये वो हथियार है जिसके द्वारा वो मच्छी पकड़ी गई, देख रहे हैं आप ये रॉड। तो स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पे एक नई वीडियो के साथ और एक खास वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो खास इसलिए होने वाली है क्योंकि कई लोगों ने मुझसे पूछा कि रॉड को किस तरह से सही जो उसका लगाने का तरीका है वो बताएं, और उसके अंदर जो चारा जो यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह से यूज़ कर रहे हैं वो भी हमें बताएं। तो इसलिए ही ये खास होने वाली है वीडियो दोस्तों, और मैं आपको बताने वाला हूँ रॉड किस तरह से लगाई जाती है, रॉड के अंदर रील किस तरह से लगाई जाती है, और जो चारा जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो मेंढक और जो चम्मच हम जिस तरह से यूज़ करते हैं वो किस तरह से लगाते हैं और किस तरह से हमें यूज़ करना चाहिए, वो सब जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के ज़रिए बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी करते हैं आगे शुरू वीडियो को। वीडियो में दोस्तों देख सकते हैं आप, ये टू पीस रोड है मेरे पास, अभी देख रहे हैं आप ये टू पीस रोड है, और इसको सिंपल ही इसका तरीका है लगाने का। इसके अंदर बस इसके डालना होता है और पॉइंट से पॉइंट इसके मिला लेने होते हैं। ये जो पॉइंट है इसके यहाँ से, ये अगला पॉइंट भी इसकी सीध में होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमको रील लगानी होती है। रील लगाने के लिए यहाँ पे स्लॉट दे रखा है, रील के लिए यहाँ पे रील लगती है, और मैं लगा के आपको बता देता हूँ। रील देख रहे हैं दोस्तों इस तरह से, इस तरह से रील लगाई जाती है दोस्तों। ये रील लग गई है इसके अंदर, और रील के बाद ये जो इसकी डोर है इसको पीछे से लेकर और उसके बाद कुछ नहीं करना होता है दोस्तों। इसको ये जो पॉइंट दे रखे हैं इसके अंदर इस डोर को खोलना होता है इस तरह से, देख सकते हैं दोस्तों ये रील के बाद मैंने इसको डोर को यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, इसके अंदर मैंने लगा दिया है यहाँ पे पूरी वायर लग चुका है, और इसके अंदर अधिकतर जो यूज़ किया जाता है देख सकते हैं आप, ये मेंढक है, मेंढक वाइट कलर का है ये मेंढक, साइज़ में भी काफ़ी बड़ा है। तो साइज़ में अगर बड़ा है तो इसके अंदर बड़ी फिश ही मुँह मारेगी, और ये जो पीछे वाले कांटे आप देख रहे हैं ध्यान से, इस तरह से मुड़े होते हैं, जब वो फिश पीछे से आकर इस पर यूँ पकड़ने की कोशिश करती है तो यहाँ से ये उसके मुंह में फंस जाता है, जिससे कि हम फिश पकड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो चम्मच का यूज़ किया जाता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्पून देख सकते हैं दोस्तों, ये स्पून है, ये इसके नीचे ही कांटे होते हैं, ये तीन तरह के कांटे, तीन मुंह वाले कांटे होते हैं, जिससे कि ये चम्मच पानी के अंदर यू राउंड होता है, और इसके ऊपर जब ये सूरज का फ्लैश पड़ता है तो ये इस तरह से चमकता है, देख रहे हैं आप चमक रहा है ये। तो मच्छी चमकती है, तो जब ये चमकता है तो मच्छी इसकी तरफ खींचती है। इसके अलावा यहाँ पे यूज़ होता है, देख सकते हैं आप स्पून का ही छोटा रूप है, ये भी पानी के अंदर ऐसे राउंड घूमता है, और इसके पीछे वेट लगा होता है ताकि थोड़ा सा वेट रहता है इसके अंदर। इसके अलावा दोस्तों यूज़ में आते हैं मेंढक के कई तरह के कलर में यूज़ किया जाता है मेंढक को, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक वाला जो पिछली वीडियो में भी आपने दिखाया देखा होगा इसका यूज़ किया था, ये ब्लैक वाला है ये मेंढक। और इसके अलावा यूज़ किया जाता है ये ग्रीन कलर का मेंढक है यहाँ पे ग्रीन, ये भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और इसको लगाने का सिंपल ही तरीका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल ही तरीका है इसको लगाने का, कुछ
कुछ नहीं, इसके अंदर से इसको डालना होता है इस तरह से। और यहाँ पे आने के बाद इसके अंदर से इस मेंढक को निकाल दिया जाता है और ये रेडी हो जाता है। ठीक है, अब ये चलाने के लिए बिल्कुल रेडी है रोड के अंदर। और इस तरह से यूज़ किया जाता है ये। अगर आपको वीडियो में पसंद आई हो, कुछ अगर कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट जो शिकार होने वाला है वो मैं आपको जल्द ही करके इस रॉड के ज़रिए आपको बताने वाला हूँ कितनी बड़ी फ़िश लगती है। ठीक है, धन्यवाद, अलविदा।